Hey guys, welcome back to the channel. This is Samir and you are watching MSQ Vlog. So guys, एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है. हम लोग हैं संजरी गोट फार्म महापोली भिवंडी वाड़ा रोड पर है हम लोग. ठीक है, माशाल्लाह एक और लॉट अभी हम लोग आपको दिखाएंगे. बेहतरीन बड़े बकरों का लॉट है ये. तो मेरे को लग रहा है सीजन वाले बकरों का जैसा लॉट है माशाल्लाह. ठीक है, और काफ़ी अच्छी तैयारी पे है सारे के सारे. तो आइए हम लोग बात करेंगे जम्मू भाई से और जानेंगे जानेंगे इन बकरों की डिटेल. माशाल्लाह क्या बात है. अस्सलाम वालेकुम भाई. वालेकुम सलाम भाई. भाई ईद अभी 10 महीने बाकी है. वो तो है भाई जी इंशाल्लाह, लेकिन अपने वो आपकी टारगेट बनाना है भाई 130 किलो 140 किलो. तो वो हिसाब से परचेसिंग कर लिए तुमने. वाह यार वाह, माश लेके आया हूँ माशाल्लाह. अरे वाह, ये एक एक क्या जम मार मार के आ रहे हैं. छोटे बड़े सब है. ओए होए होए, क्वालिटी है माशाल्लाह बेहतरीन. जम्मू भाई कितने बकरे हैं ये? कुछ हो गए 30 बकरे हो गए. 30 बकरे होंगे इसमें. 30 बकरे होंगे. ठीक है, तो जम्मू भाई ये सब दाती बकरे हैं? सब ये सब दाती नहीं है, 13 नग है इसके अंदर जो दाती है. बड़े बड़े 2 दांत से लेके 6 दांत तक है. ओके, तो उसके अंदर बड़े है. बाकी जो छोटे 40 से 50 kg के है ना, तो पूरे पिंक है और व्हाइट है, पूरे मार्बल पिंक है. तो वो छोटे ऊन है, बेगर दांत के. अच्छा, बहुत अच्छे. इसमें से कुछ एक बकरे जो आपको पसंद हो जम्मू भाई वो दिखाओ ना, अगर पॉसिबल है तो. हाँ, क्योंकि बकरे सारे भाग रहे हैं. हाँ, आप मुझे अगर इशारा कर दो तो मैं जूम करके दिखा सकता हूँ. मुझे ऐसा लग रहा है यही वाला होगा, सिक्के वाला. हाँ हाँ हाँ, ये बड़ा वाला गुजरी जो सबसे आगे जा रहा है वो. वाह यार मजा आ गया. ये देखिए, वाह वाह माशाल्लाह. इसमें एक बीटल भी है, एक सोजत वाइट आइज में भी है, एक अंडुल में. और ये देखिए क्वालिटी, वाह 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 माशाल्लाह. इसमें से कौन सा वाला आपका फेवरेट है? मुझे वो गुजरी पकड़ ले जाऊं, बड़ा वाला है जो भी. इसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी के है. ये सामने खड़ा है जो अदंत होगा, ये अदंत है. मुंडा से पूरा रेडियो कोई हाथ नहीं. चलो चलो वांदा नहीं. जानवर क्या बकरे है माशाल्लाह. इसमें से दाती कितने बताए अपने दांत वाले बकरे? दांत वाले बकरे 13 है. 13 नग है उसके अंदर. कोई 2 दांत का है, एक बकरा होगा बगैर दांत का होगा. वो मुंडल में ही है. यही साथ आ रहा है, यही होगा ये वाला. हाँ, दांत का है ये वाला. बाकी 2 दांत है, 4 दांत है, 6 दांत है. अच्छा, काला वाला 6 दांत का है. ये बड़ा वाला. हाँ, ये सोजत 6 दांत का है. अच्छा, और ये 4 दांत का है. ये सोजत 6 दांत का है. ये करीबन 85-80 kg के ऊपर प्लस का ही है. हाँ, तो इनका इनके ऊपर आपने क्या टारगेट सेट किए हो? मैं इंशाल्लाह इनमें टारगेट ये है अपना भाई कि अभी तो फिलहाल ये 80-85 kg पे ऑलरेडी है. बकरे इनमें 60 की मेरी 70 की पट्टी और 13 की जो है ना वो 70 की पट्टी बनती है. अच्छा, तो इनको सेट किया होंगी 100+ में. अगर ये जाते हैं भाई तो 130-140-120-125 का टारगेट इंशाल्लाह बनाया हूँ. मतलब अभी 100 अगर ये ऐसे ही टच हो जाए तो मेहनत करके इनको 125-30 तक पहुँचाएंगे. पहुँचाए इंशाल्लाह तो इनको 130-140 किलो. तो इंशाल्लाह लास्ट ईयर अपने यहाँ का सबसे हैवीएस्ट बकरा कितना था? 130 किलो का सबसे हैवी था. और समीर भाई वो रोका था मैं कुछ करीबन 56 या 60 किलो पे. वो बकरा था मेरा जद में ही था मुंडल. और वैसे बकरे मेरे पास 15 बकरे थे. 15 की 15 बकरे मेरे पास ना 100+ पे गए थे. कोई 105 किलो, कोई 107 किलो और कोई 125-120. ये सब रेंज में सब बकरे. लोगों की नजर में संजरी जो गोट फार्म है वो 1 साल पुराना है, लेकिन मेरे हिसाब से काफी साल पुराना तजुर्बा है इसके पीछे. तो भाई बहुतों साल से है, क्योंकि अब हम घर में भी घर पे भी रखते थे बकरे और हमेशा 100+ भी बकरा रेडी किए अल्हम्दुलिल्लाह. यहाँ भी अल्लाह का एहसान है कि अपने खौटी उठी पे बकरे लोग के लिए अपन कोई वो नहीं करते भाई. कंजूसी खिलाते है, अच्छे आराम दे और दिल खोल के खिलाते है. बहुत अच्छे. और
और एक नहीं दो टाइम नहीं तीन टाइम डायरेक्ट अपन खिलाते हैं। हाँ। दोपहर का पूरा हरी पत्ती का सीन रहता है, सुबह का सुखा अनाज रहता है, रात का गिल्ले का अनाज रहता है, सब अपना ऐसा टाइम टेबल बना हुआ है। ये देखिए टाइम टू टाइम खिलाते हैं, टाइम टू टाइम खिलाते हैं, टाइम टू टाइम टाइम ओवर नहीं करते, जब भी खिलाते हैं टाइम टू टाइम ही खिलाते। ये गुजरी मेरा फेवरेट, अगर कोई मेरा फेवरेट पूछे तो ये, क्योंकि पिछले बार मैंने गुजरी की कुर्बानी किया हूँ, मेरे को तो तब से गुजरी मेरे दिमाग में बैठ गया है, तो दिखते भी है भाई बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं, और पिंग में भी आ जाते तो और खूबसूरत रहते हैं, वो ऑलरेडी है ना रेड स्किन में हाई हो गई, बहुत बेहतरीन बकरा है भाई वो। अभी मैं क्या बोलूं, मैं मेरा तो दिमाग ऐसा हो रहा है कि जम्मू भाई को बोलो इसको हटा दो, इसको रख दो साइड में, लेकिन ये बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा ना दो चार महीने रुकूं और हाँ वेट आते रहेगा। हाँ, लेकिन माशाल्लाह वन ऑफ माय फेवरेट गोट है वो इस लॉट के अंदर, बहुत खूबसूरत बकरा है माशाल्लाह। जिस किसी को भी मिले तो भाई मैं तो बोलूँगा माशाल्लाह, बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं फिर से जूम करके दिखा रहा हूँ, जो भी देखे माशाल्लाह ज़रूर बोले इस बकरे को, बहुत अच्छी चीज़ है ये, मुझे पर्सनली पसंद आया। ठीक है, पता नहीं गुजरी से एक अलग ही प्यार हो गया मुझे, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं और बहुत अच्छे तरीके से चलते हैं और परेशान नहीं करते। रिजल्ट भाई माशाल्लाह हकीकत में गुजरी लोग का बहुत अच्छा है, और है ना बीमारी बीमारी से भी लड़ जाते हैं भाई, एक बार सेट हो जाए ना हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा होते हैं। लेकिन ये है कि कोई पब्लिक को बहुत ज्यादा लगता है, किसी को व्हाइट का बहुत शौक रहता है, किसी को कलर फास्ट बहुत शौक रहता है, बस यही सिस्टम की वजह से बस ये जानवर थोड़ा रुका हुआ रहता, रुका हुआ रखता है, थोड़ा मंडी मार्केट वाला जानवर है, इसके लिए लोग इसको कम पसंद, इसको कम, लेकिन इसमें से भी एक एक नगीने निकल कर आते हैं, नगीने निकलते हैं, लेकिन वो पहले आदमी चूज कर ही लेता, चूज कर ही लेता है, और वो माल है ना पब्लिक तक आने भी नहीं देते, लोग आता ही नहीं, वही के वही कहीं ना कहीं चला जाता है। ठीक है, तो ये तो बहुत सारी इधर उधर की बातें हो गई जम्मू भाई, अब हम लोग बात करेंगे इनके पट्टी का रेट क्या है, ये पूरा क्या पट्टी में बैठेगी, मतलब रेट कहाँ से कहाँ तक आएगा भाई? इसमें दो किस्म के बकरे हैं, अगर अपन पट्टी पकड़ना जाए तो देखो 13 नग जो है ना वो 70 की पट्टी के है, और बाकी जो इसमें 40-45-50 की पट्टी के भी बकरे है, टोटल अगर अपन पूरे मिला के अगर पट्टी बैठाएंगे ना तो ये बहुत हो गया अपने को 55-60 किलो की पट्टी बैठेगी, 55-60 किलो की पट्टी टोटल पूरे जितने बकरे अपन ने सब मतलब छोटे बड़े सब मिला, छोटे बड़े सब 55-60 की पट्टी में आ जाएंगे, और वो 13 ना खाली बड़े बड़े अपन दांत वाले निकाल लेंगे ना वो 70 की पट्टी के बकरे हैं। ठीक है, प्राइस क्या कोट कर रहे हैं हम? असल इन लोग प्राइस अच्छी है ना धनी भाई, कि ये अलग अलग प्राइस के बच्चे हैं इसके, तो एक अंदाजा देते ना, तो 60-80-90 किलो के बकरे है जो 13, उनके प्राइस ऐसे है सब नग के है वो अपने को 38,000 रूपए से स्टार्टिंग रेट है, 60,000 रूपए तक। ओके, उसके अंदर ओके उसके अंदर वो सब पंजाबी वगैरह 90 किलो का है, सोजत भी है कुछ बकरे बड़े बड़े वो भी 80-85 किलो के है, तो सब अलग। अब जो छोटे छोटे नग है पिंक कलर के है, रेड स्किन की है, खूबसूरत कमानी पीट के सब, वो बकरे का अपना रेट है भाई 20,000 रूपए से 24,000 तक उसका भी रेट। ठीक है, बहुत अच्छे। सो नंबर मैं स्क्रीन के ऊपर अगेन मैं नूर भाई का और जमीर भाई का दे दूंगा, जम्मू भाई का, आप लोग यहाँ पर आए अपनी पसंद का बकरा इसमें से चूज करें, यहाँ पर पलाई पे रखे, और इन्होंने जो दिमाग इनका सेट करके लाए है, अगर आप चाहते हो कि आपका बकरा वहाँ तक पहुँचे तो प्लीज़ यहाँ पर पलाई पे देखे एक बार, मतलब वापस से इनको मौका दे। पिछले साल तो इन्होंने महारत हासिल कर ही लिए है और इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इस बार भी मैं चाहूँगा कि जो बकरे बिके वो यहीं रहे, ताकि हम लोगों को साल भर बकरों को ट्रैक करने को मिले कि भाई ये बकरा लास्ट मंथ में इतना था और अभी ये करंट मंथ में इतना चल रहा है। ठीक है, सो इसमें आपको भी अपडेट मिलेगा और इंशाल्लाह आपका बकरा भी अच्छी ग्रो करेगा, और हमेशा की तरह मैं फिर बोलूँगा कि पलाई पर बकरे यहाँ से कोशिश करें कि ना ही हटाए, यहाँ से क्या कहीं से भी आप लोग ले, कोशिश करें कि ना हटाए, क्योंकि आप ही का बकरा टूटेगा है ना, और दूसरी जगह पे जाएगा सेट होने में प्रॉब्लम होता है। सो गाइस ये वीडियो क्लोज करते हैं, नंबर मैं स्क्रीन के ऊपर दे दूंगा, जो कोई भी इंटरेस्टेड हो इनसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करें, यहाँ आए देखे पसंद करे उसके बाद सौदा करे। ठीक है, सो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।